हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? जैसे गणपति अभी 2 दिन में आने वाले हैं तो आगमन की सब तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे आगमन हो चुके हैं। तो लास्ट ये वीडियो है वर्कशॉप के ऊपर, तो चिका भाई के वर्कशॉप पर और धर्मेश आर्ट के वर्कशॉप पर, दोनों पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे से ये चिका भाई का वर्कशॉप दिखाई दे रहा है और उस साइड में है वो धर्मेश भाई का वर्कशॉप है। तो अभी काम चल रहा है काफ़ी सारी मूर्तियों पर। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह की बप्पा की मूर्तियाँ अभी तक रेडी हुई हैं। तो यहाँ पर धर्मेश आर्ट का पूरा आगे से वर्कशॉप खोल दिया गया है क्योंकि काफ़ी सारी मूर्तियाँ बाहर आ चुकी हैं वहाँ से, क्योंकि आगमन हो चुका है काफ़ी सारी मूर्तियों का और काफ़ी सारी मूर्तियों का आगमन अभी बाकी है। तो वो सब मूर्तियाँ रेडी हो रही हैं। ये वाली मूर्ति आप देख सकते हो, इसका श्रृंगार जो किया गया है बहुत ही सुंदर लग रहा है। श्रृंगार कलर काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ धोती पहनाना बाकी है। तो काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ पर रेडी हो चुकी है। काफ़ी सारी पर कलर किया गया है और काफ़ी सारी को पूरा जो श्रृंगार होता है वो करना बाकी है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर आप वर्कशॉप पर देख सकते हो काम चल रहा है। तो काफ़ी सारी मूर्तियों का आगमन हो चुका है, पर अभी जो आगमन बाकी है तो काफ़ी लोग यहाँ पर 6 तारीख को भी आगमन करेंगे और काफ़ी जन 7 तारीख को भी गणपति बप्पा का आगमन करने वाले हैं। तो उन सभी की मूर्तियों को अभी रेडी किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हो कितनी सुंदर मूर्ति है। गणपति बप्पा को पर्पल कलर में किया गया है और पीछे और एक मूर्ति है। तो दोनों साथ में है, तो काफ़ी बड़ी गणपति बप्पा की मूर्ति है। तो अभी जो भी मूर्तियाँ आपको जो सब दिखाई दे रही है सभी बड़ी साइज़ की गणपति बप्पा की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। और इसके बाद में हम साथ में ही इस वीडियो में मैं आपको चिका आर्ट का वर्कशॉप का भी दिखा दूँगी। तो वहाँ पर किस तरह की मूर्तियाँ रेडी हुई हैं, यहाँ से ज़्यादा रेडी है कम है, तो वो भी वहाँ पर जाकर हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर फिनिशिंग का काम हो रहा है। तो दिन रात यहाँ पर पूरा काम चल रहा है और फिर सब मूर्तियों को कंप्लीट किया जा रहा है। ये वाली मूर्ति भी आप देख सकते हो, गोल्डन कलर में पूरा श्रृंगार किया गया है गणपति बप्पा का और मूर्ति जो है वो पर्पल कलर में है, लाइट पर्पल। तो कुछ इस तरह की ये पूरी मूर्ति है। तो अभी थोड़ा बहुत श्रृंगार इस मूर्ति में बाकी है। पीछे वाली मूर्ति ये देख सकते हो, तो इसमें भी काफ़ी काम हो चुका है और थोड़ा बहुत जो भी है वो अभी बाकी है वो किया जा रहा है। तो आप ये पूरा वर्कशॉप देख सकते हो। वहाँ पीछे की साइड में जो मैंने दिखाया था कि पिछली बार चील के ऊपर जो गणपति बप्पा आएंगे, तो ये मूर्ति काफ़ी बड़ी हुई है ये मूर्ति। और पीछे जो शेर के ऊपर जो गणपति बप्पा थे, शेर का फेस था, तो वो भी काफ़ी बड़ी वो मूर्ति बन रही है। अभी यहाँ पर इस मूर्ति पे अभी कलर का काम चल रहा है, तो शेडिंग जो होती है कलर में तो वो की जा रही है। तो यहाँ पर ये पूरा वर्कशॉप आप देखो। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि जिनकी मूर्ति है वो यहाँ पर देखने आए हैं कि अपनी मूर्ति कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। तो ये आप मूर्ति देखो, ये भी काफ़ी बड़ी गणपति बप्पा की मूर्ति बनने वाली है। तो इस मूर्ति का आगमन 7 तारीख को होने वाला है, जो बेगमपुरा में मुंबई वार्ड है वहाँ पर ये मूर्ति का आगमन होगा। और यहाँ पर ये बाहर की साइड में भी काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ मैंने आपको दिखाई थी लास्ट टाइम वो सब चली गई है, उनका आगमन हो चुका है। और यहाँ पर ये सब मूर्तियाँ और भी आप देख सकते हो, अभी इनमें वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये फटाफट ये सब मूर्तियों को कंप्लीट किया जा रहा है। चलिए अब हम आ चुके हैं चिका भाई के वर्कशॉप पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और कितनी मूर्तियाँ अभी बची है वर्कशॉप के अंदर। ये बाहर ही आप देख सकते हो कितनी बड़ी गणपति बप्पा की मूर्ति है। यहाँ पर सांप के ऊपर गणपति बप्पा खड़े हैं और बहुत ही बड़ी साइज़ की ये मूर्ति है। और ये शायद विष्णु भगवान के रूप में, इसलिए थोड़ा ब्लू कलर किया गया है मूर्ति पर। तो बहुत ही सुंदर लग रही है और इसका आगमन भी आज या कल होगा क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कर रहे हैं फटाफट मूर्ति को। यहाँ पर ये मूर्ति देख सकते हो, ये कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ इनको धोती पहनाना बाकी है। तो वो अभी स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। ये वाली मूर्ति भी आप देखो, फिश के साथ में गणपति बप्पा है। तो ये भी बहुत सुंदर ये मूर्ति है। पूरा गणपति बप्पा के कलर वगैरह सब कुछ हो चुका है कंप्लीट और पीछे का बैकग्राउंड है वहाँ पर अभी कलर होना बाकी है। तो ये सभी फटाफट ये कंप्लीट किया जा रहा है यहाँ पर। ये वाली मूर्ति आप देखो, ये कंप्लीट हो चुकी है पूरी मूर्ति और बहुत ही सुंदर ये दिखाई दे रही है। तो इसका आगमन आज ही है। तो यहाँ पर ये पूरा ढक के रखा गया है, मंडल वाले आएंगे और मूर्ति को लेके जाएंगे। और यहाँ पर और भी कई मूर्तियों का काम चल भी रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। ये वाली मूर्ति है, तो यह ये वाली मूर्ति भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही सुंदर जो मूर्ति का श्रृंगार होता है, गणपति बप्पा की धोती है, बप्पा का खेस है, मुकुट है, पूरा जो श्रृंगार किया गया है बहुत ही सुंदर मूर्ति का श्रृंगार किया गया है यहाँ पर। और पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड है, बस वो अटैच करना बाकी है आधा, बाकी बाद में ये मूर्ति पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देख सकते हो और बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ आपको रेडी दिख जाएंगी। धर्मेश आर्ट में थोड़ी बहुत रेडी होना भी बाकी है। यहाँ पर फटाफट काम हो रहा है। और यहाँ पर भी बहुत सारी जो मूर्तियाँ थी वो सब जा चुकी है, आगमन हो चुका है उनका, जिनका अभी बाकी है बस वो तैयारियाँ चल रही है। ये वहाँ पर आप देख सकते हो पूरा फिनिशिंग का काम हो रहा है, आइस बना रहे हैं पापा की, तो काफ़ी सारे जो थोड़ा बहुत कलर का बाकी है काम तो वो किया जा रहा है। ये बैकग्राउंड में लगेगा सिंह, जो मैंने आपको कंप्लीट हो चुकी थी वो मूर्ति दिखाई थी उस पर बैकग्राउंड में ये आएगा, तो मूर्ति और भी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर ये वाली मूर्ति भी आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत पूरा डेकोरेशन किया गया है। मूर्ति का जो श्रृंगार होता है वो अभी बप्पा को धोती खेस कैसे पहनाते हैं तो वो सब यहाँ पर अभी देखेंगे। छोटी मूर्तियों को तो मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया है कि कैसे मूर्ति को तैयार किया जाता है, तो छोटी मूर्ति की जैसे धोती खेस और फेटा कैसे पहनाते हैं, तो अगर वो आपको देखना हो तो वो भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर से देख लेना। अब बड़ी मूर्ति को कैसे तैयार किया जाता है पूरे तो वो देख लेते हैं। तो अभी सबसे पहले बप्पा को धोती पहनाई जा रही है और किस तरह से ये फटाफट पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी सभी मूर्तियों को रेडी करना है इनको। तो यहाँ पर गणपति बप्पा को धोती अच्छे से पहना दी गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और अभी खेस पहनाया जा रहा है और आप देखो कितना बड़ा ये खेस है, उसको पूरा मूर्ति पर पहनाया जाएगा। और किस तरह से पहनाया जाएगा आप देखना, काफ़ी बड़ा ये साइज में खेस आपको दिखाई दे रहा है, पर बहुत ही सुंदर लगेगा पहनाने के बाद में। और आप जैसे कि देख ही रहे हो अभी एकदम तैयार होने वाली है मूर्ति। तो एक मूर्ति को रेडी करने के लिए काफ़ी लोग चाहिए होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक मूर्ति को पूरा रेडी किया जाता है। पहले मूर्ति बनती है, फिर कलर होता है, फिर मूर्ति का श्रृंगार होता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो कुछ इस तरह से पूरी गणपति बापा की मूर्तियां रेडी होती है आगमन के लिए। तो ये पूरी मूर्ति अभी रेडी है आगमन के लिए। आप देख सको कितनी सुंदर लग रही है। पूरा मैं आप दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर गणपति बप्पा की मूर्ति लग रही है। यहाँ पर ये मूर्ति भी आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही सुंदर ये मूर्ति दिखाई दे रही है। और ये करीबन 6-7 फीट के आसपास की गणपति बप्पा की मूर्ति है, पर बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये। और कलर कॉम्बिनेशन जो किया गया है मूर्ति पर वो भी बहुत सुंदर लगा। तो ये आप देखो पूरा वर्कशॉप यहाँ पर भरा हुआ था मूर्तियों से। अभी काफ़ी कम मूर्तियाँ बची हैं। और यहाँ पर ये बाहर जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर भी धोती का काम चालू हो गया है मूर्ति पर। तो यहाँ पर धोती और खेस पहना के मूर्ति को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो आज हमने देखा कि मूर्ति को कैसे पूरा रेडी किया जाता है, श्रृंगार कैसा होता है मूर्ति का। तो बहुत ही अच्छा लगा वो देखकर। और यहाँ पर ये देखो, ये बाहर काफ़ी लोग आए हुए हैं अपनी मूर्ति को संभालने के लिए, काफ़ी लोग देखने के लिए भी, और बहुत सारे आगमन अभी हो भी रहे हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो देख के कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।